बच्चों की तरह रो रही हो, ऐसे थोड़ी रोते हैं। चलो पकड़ो शाबाश, चलो 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 चलो, ये लो चलो, ये लो, जल्दी 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 चलो। जल्दी क्या करें? बस बस, सारा पानी पी लोगी क्या? देखो भाई, तुम्हें बताया तो है दानिश ने, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अब हम लोग मिलजुल कर सुलह सफाई से रहेंगे। बिल्कुल, अब ये कौन सी नई चाल है आप लोगों की? चाल कैसी? देखो रानिया, मेरा बच्चा, मेरी शहजादी, ऐसे अपनों से दिलों में भय थोड़ी रखते। साजिदा, समझाओ ना रानिया को, भाई हम अपने हैं, इसकी खाला हूं मैं। अपनों के साथ रिश्ते मिलजुल के निभाए जाते हैं, ऐसे दिलों में बात रखकर रिश्ते थोड़ी चलते हैं, है बेटे? रिश्तों का मतलब है एक दूसरे को फायदा देना पड़ता है। हाँ, क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ ठंडी वाली लंबी वाली गाड़ी में बैठ के बाहर देखते हुए दानिश के साथ जाना है बस। अम्मी मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाएंगी। क्या कह रही थी तुम? तो? अम्मा कहीं नहीं जाएंगी। मम्मा तो जाएंगी, मेरे पास आओ ना बेटे, मेरे पास रहा करो, दूर मत जाया करो, समझती नहीं है बच्ची बात को। देखो बेटा, मां तो जाएंगी और चुपचाप जाकर दस्तखत कर कर आएंगी, और तब तक तुम गारंटी के तौर पर मेरे पास रहोगी। कैसे साहिब? हाँ, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ चाहे हाथ के पेपर्स पे साइन। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देती, सच्ची। पर क्या करूं, ऐसी सख्ती कर दी है कि बुलाकर मुझे लेके जाना ही पड़ेगा तुमको साइन करवाने। लेकिन मां, तुम्हें मुंह बंद रखना है, तक तुम्हारी प्यारी सी बेटी मेरी बहू मेहमान बन के रहेगी मेरे पास, है ना? भूले आपकी ये कभी नहीं होगा। मैं तैयार हूं। बहुत समझदार हो तुम। हमेशा से बहुत समझदार हो, मगर ये तुमने तरबियत में चूक गई। रानिया की तरबियत तुमने ऐसी नहीं की, इसकी भी ऐसी तरबियत करनी चाहिए थी तुम्हें। खीर पसंद है? हाँ? हाँ बोलो हाँ। मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए और अपनी बहू प्लस भांजी के लिए मीठी सी, अच्छी सी, ठंडी सी खीर बना के लाती हूँ। हाँ?